केजीएफ चैप्टर 2 से एक डायलॉग तो सभी को याद होगा, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, दिस इज द बिगेस्ट नेशनल इश्यू। और हाल फिलहाल तो भैया वो नेशनल इश्यू बने भी हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार केजीएफ चैप्टर 3 वाकई में आएगी कि नहीं, और केजीएफ में रॉकी भाई बचे तो स्ट्रिप से बचे कैसे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 कब आने वाली है, सारे अपडेट जो कि सालार से भी रिलेटेड है। और ये सारे अपडेट के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे यश यानी रॉकी भाई के लास्ट सीन के बारे में। लास्ट सीन ऐसा था कि शिप के ऊपर रॉकी भाई जा चुके थे, सारा सोना उनके पास था, और समंदर के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स में जब धमाका हुआ तो रॉकी भाई शिप के साथ डूब गए उस समंदर के अंदर। तो क्या रॉकी भाई अब हैं या नहीं, यह है क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर दो थियरीज जो है निकल कर सामने आ रही है। पहली थियरी तो ये है कि रॉकी भाई का जो नामो निशान रमिका सेन ने मिटा दिया था, अब रॉकी भाई की रमिका सेन के साथ कोई डील हुई होगी जिससे रमिका सेन ने अपनी सरकार बचाने के लिए यानी अपनी सरकार पे दाग बचाने के लिए ये चीज कही कि तुम यहां से बिल्कुल चले जाओ। और फिर रॉकी भाई ने भी अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाया और अपनी डेथ जो है फेक करके वो अब इंटरनेशनली जा चुके हैं। पहली थियरी तो ये निकल कर सामने आती है। दूसरी थियरी ये निकल कर सामने आती है कि भैया वो इंसान क्रिमिनल था पर था एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन है तो उसने भी यही सोचा होगा कि वो किसी भी तरीके से गायब हो जाए और अपना एक पूरी तरीके से अननोटिस्ड तरीके से अपना पूरा बिजनेस चलाए, क्योंकि सबको लगेगा कि वो मर गया, लेकिन आखिरकार वो मरा नहीं है। और वो बिगेस्ट इशू फिर भी रहेगा क्योंकि अब रॉकी दुनिया जीतने चला जा चुका है। वही बात करें तो केजीएफ चैप्टर 3 की, केजीएफ चैप्टर 3 आपको कब देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल तो सबसे ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं सालार को लेकर। सालार से केजीएफ का जुड़ाव भी हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत नील ने इसके ऊपर कोई भी ठप्पा नहीं लगाया, लेकिन ठप्पा लगाना जरूरी भी नहीं है। जिस तरीके का बैकड्रॉप है, जिस तरीके के जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, कैरेक्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि हो सकता है कि प्रभास और केजीएफ चैप्टर 2 का जुड़ाव हो। अब प्रभास जो है इस फिल्म के अंदर सालार के अंदर एक प्रोटेक्टर का किरदार निभाएंगे, एक चीफ इन कमांडर का किरदार निभा रहे हैं। अब ये जो चीफ इन कमांडर है, इनकी फिल्म की शूटिंग चालू हो चुकी है, इसकी शूटिंग दिसंबर जनवरी तक खत्म हो जाएगी, फिर जनवरी से जो भी इसका काम शुरू होगा और फिर इसकी रिलीज डेट सामने आ जाएगी। 2023 इसकी रिलीज डेट है। अब इस फिल्म को पूरा करने के बाद ही प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 3 की ओर रुख करेंगे। हाल फिलहाल आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यश की फिल्म खत्म हो चुकी है। जब चैप्टर 1 खत्म हुआ था उन्होंने अपनी पूरी क्लीन शेव कर ली थी अपनी वाइफ के कहने पर, लेकिन अब इस बार उन्होंने कोई भी क्लीन शेव नहीं करी है, वो सेम लुक कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो ना हो केजीएफ चैप्टर 3 के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका लेकर आने वाले हैं। सालार के अंदर ही उनका कोई ना कोई रोल जरूर हो सकता है। इसके ऊपर अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर कॉन्फर्मेशन आती है तो सबसे पहले हम ही आपको बताने वाले हैं। वहीं केजीएफ चैप्टर 3 की बात करें तो जो केजीएफ चैप्टर 3 है उसकी जो शूटिंग है वो सालार के खत्म होने के बाद ही प्रशांत नील उसको पूरा टाइम देंगे। यानी कि हो सकता है कि सालार जब से खत्म हो उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी और फिर आपको अगले साल यानी 2024 एंड तक आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। अब चैप्टर 3 एंड होगा या नहीं होगा ये कोई भी नहीं जानता। अगर रॉकी भाई जिंदा है तो चैप्टर 3 का एंड नहीं होगा, और रॉकी भाई अगर वाकई में इस शिप से डूब के मर चुके हैं तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं जो कहानी आपको दिखाई जाएगी चैप्टर 3 के अंदर, वो जो कहानी होने वाली है वो होगी मिड की। आपने नोटिस किया होगा कि 77 से लेकर 81-82 के बीच का जो एरा था उसे नहीं दिखाया गया। इस एरा के अंदर क्या दिखाया गया था, इस एरा के अंदर जो रॉकी भाई इन 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना चुके थे कोलार गोल्ड फील्ड्स को, और इस इंडस्ट्री को कैसे बनाया गया, कहां से वो पैसा आया, और यूएस की टेक्नोलॉजी वो कैसे लेकर आए, और कैसे वो टोटली अननोटिस्ड रहे। दूसरा श्रीनिधि शेट्टी को लेकर भी बड़ी अपडेट है, जहां पर सभी लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि श्रीनिधि शेट्टी भी वापस आएंगी। तो आपको बता दें कि वो अब इस मूवी के अंदर उनका जो था वो पूरा सीन खत्म हो चुका है, लेकिन वो वापस आपको केजीएफ 3 में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो बीच का 3 साल का एरा है इसके अंदर वो उनके साथ थी, उनके साथ रही, उनसे शादी की, और आखिरकार आपको पता ही है कि माँ वापस आने वाली थी लेकिन अधीरा ने काम खराब कर दिया और माँ वापस नहीं आ पाई। लेकिन केजीएफ की बात करें अगर, तो रॉकी भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ना ही श्रीनिधि शेट्टी यानी कि उनकी वाइफ है, ना ही कोई कोलार गोल्ड फील्ड्स, कुछ जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है रॉकी के लिए माँ को किया हुआ वादा,
तो उस वादे के लिए रॉकी जरूर वापस आएगा। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट करके बता दें। केजीएफ चैप्टर 3 तो भैया आ रही है, कंफर्म आ रही है, क्योंकि एंड में बता दिया गया था और कहीं ना कहीं प्रेस मीट के दौरान भी ऐसी छोटी छोटी अफवाहें सुनने को मिली थी। अब विलन कौन होगा इसके ऊपर भी बड़ी कॉन्फर्मेशन नहीं है कोई। विलन को लेकर भी अगर कोई भी बड़ी अपडेट मिलती है तो आपको जरूर हम जल्दी बताने वाले हैं। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है कमेंट करके बता दें, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।